गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? शुरुआत करें? चलिए, तो पहला शब्द है हमारे सामने एस्पेरिटी। इसका मतलब होता है रूखापन। ओके, रूखापन आप जानते हो? यस सर। तो जब आप देखिए, इस पहले से ब्रेक कर लेते हैं। एस्पेरिटी, जब अगर आपके पैर पर थोड़ा सा रूखापन आ जाए तो आप उसी पैर पर गर्म गर्म टी लेना और डाल लेना, रूखापन खत्म। ठीक है, घर पर ट्राई मत कर लेना। चलिए, याद हो जाएगा एस्पेरिटी। ठीक है, एस्पेरिटी मीन्स रूखापन। ऑपोजिट देखिए, सिविलिटी, इसका मतलब सभ्यता। सिविलाइजेशन जानते हो? उससे याद हो जाएगा भाई, सिविल में तो हम टी पीते हैं, पैर पर नहीं डालते, ये हमारी सभ्यता है, है ना, जो सिविलियन होते ना। हो जाएगा आराम से। चलिए नेक्स्ट, असॉल्टेड मीन्स होता है हमला। असॉल्टेड से कैसे याद करोगे? एस माने क्या होता है? गधा। वेरी गुड। अब कृष्णा बोला कि सॉल्ट खाएगा गधे से, असॉल्ट। उन्होंने बोला तो फालतू में, मतलब गधाऊं तो क्या हुआ, नमक तो ना खाऊंगा। तो ये जबरदस्ती करने लगा, उसने अचानक क्या कर दिया, ठीक है, इसके ऊपर हमला कर दिया। अब ये भागने लगा, तो भागते भागते कहां पहुंच गया? देखिए, गार्डेड मीन्स पहरा, तो पहरेदार, गार्ड जानते हो? गार्ड, एक गार्ड के पीछे जाके दुबक गया। ये एक गार्ड अंकल खड़े हुए थे और उनके पीछे जाके दुबक गया, जहां वो पहरेदार खड़े हुए थे या पहरा दे रहे थे। ठीक है, याद हो जाएगा असॉल्टेड मीन्स हमला और गार्डेड मीन्स पहरा। हो जाएगा याद? नेक्स्ट देखें, असेंबल। असेंबल मीन्स होता है इकट्ठा करना। असेंबल, असेंबली में सब लोग इकट्ठे होते हैं ना सुबह सुबह, हाँ, स्कूल में। याद हो जाएगा, इजी है फिर तो, असेंबल। बिल्कुल, इसका देखिए ऑपोजिट डिस्पर्स। याद है दीदी का जो पर्स बिखर जाना? वेरी गुड, याद है। स्कैटर माने भी बिखरना होता है, हाँ? तो स्कैटर से कैसे याद करोगे? आप जब छोटे थे तो कटर यूज करते थे, कटर बोलते हैं शार्पनर को, तो उसको छील कर, इस कटर से छील कर आप क्या करते थे? बिखेर देते थे, ठीक है ना? अभी भी छोटे छोटे बच्चे करते हैं, ट्यूशन में आते हैं, याद हो जाएगा स्कैटर से बिखेरना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, असेंट मीन्स समर्थन। असेंट मीन्स समर्थन। कल भी हमने एक असेंट और डिसेंट कराया था, स्पेलिंग का अंतर है, याद रखना उसमें। ठीक है, तो असेंट इसको कैसे करेंगे समर्थन? कैसे करोगे? एक सेंट, हाँ। अगर एक ही तरह का सेंट का कोई भी समर्थन कर सकता है, एक सेंट का आपको क्या करना है? समर्थन करना है। ठीक है, इधर देखिए, और डिसेंट मतभेद, और दीदी वाला जो सेंट है आपके पास, जो एक सेंट है आप उसका समर्थन करते हो, और दीदी के पास जो सेंट है उसमें और आप में मतभेद रहता है। भाई दीदी अलग तरह का सेंट यूज करती है और आप अलग तरह का। असेंट मीन्स समर्थन और डिसेंट मीन्स मतभेद, याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, असोएज। असोएज मीन्स होता है शांत करना। कैसे याद करेंगे असोएज? नहीं, सो ऐसी एज पर आ चुका है कि हाँ, शांत कर देता है। हाँ, ये भी कर सकते हैं कि आसू नाम का एक लड़का है, वो इस एज पर आ चुका है कि सबको शांत कर देता है, फिर इस एज पे आ चुका है कि वो शांत रहता है। अब जैसा भाई कि एज पर आ जाते हैं ना, तो हम प्रूव नहीं करते अपने आप को, बहस नहीं करते कभी भी। हम एक ऐसी एज पर आ चुके हैं कि हम बहस वगैरह इनमें हम पढ़ना नहीं चाहते और हम शांत रहते हैं, जो हो रहा है ठीक है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा असोएज में शांत करना। हाँ, लेकिन पहले कोई भी थोड़ा सा प्रोवोक कर देता तो भड़क जाते थे हम, लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। अच्छा, ऐसे कैसे? तो प्रोवोक माने मैं पहले भी याद करा चुका हूं, भड़काना, तो याद हो जाएगा प्रोवोक, तो पहले भी मैं करा चुका हूं, भड़काना। ठीक है, नेक्स्ट अस्टोनिश मीन्स चकित करना। अस्टोनिश मीन्स चकित करना, ठीक है, सरप्राइज करना किसी को भी। तो अस्टोनिश क्या आ रहा है? स्टोन और निशा। आपकी एक दोस्त थी निशा और आपने बोला कि इसको चकित कर ले, तो क्या छोटा सा स्टोन पीछे से मार देते हैं, हम सरप्राइज दे रहे हैं ना उसको, तो छोटे से की जगह मैंने पूरा अद्धा ले लिया। अब किस तरह से चकित हुई होगी, चक्कर भी आ गए होंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद आप उसको काम देखिए, या तो उसको आपने शांत कर दिया, फिर खुद शांत खड़े हो गए कि नहीं, मत मैंने नहीं मारा बिल्कुल भी, काम। ठीक है, काम, ये तो याद हो जाएगा काम। ठीक है, क्लियर। अस्टनिश मीन्स चकित करना। ओके, नेक्स्ट देखिए, एथीस्ट नास्तिक, इजी है एथीस्ट, ठीक है ना, द पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। वेरी गुड, इसका देखिए उल्टा, बिलीवर आस्तिक, जो बिलीव करता है, सिंपल। yes, याद हो जाएगा बिलीवर। वेरी गुड, नेक्स्ट अटैचमेंट्स मींस बंधन। अटैचमेंट्स अटैच करते हैं, बंधन, याद हो जाएगा, इजी है। अटैचमेंट्स मींस बंधन। नेक्स्ट देखिए इसका
ओपोजिशन विरोध, ओपोजिशन कैसे याद करोगे? ओपोजिशन अटैचमेंट तो याद हो जाएगा आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी ऑपोजिशन याद होना चाहिए, विरोध अपोज करते हैं, या फिर भी करना है तो जीशान नाम का लड़का, उस पर ओप्पो का मोबाइल फोन है, ओपोजिशन ओप्पो फोन है, ओप्पो का मोबाइल फोन है जीशान के पास, और आप विरोध करते हैं उसका क्योंकि आपके पास नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अटैक आक्रमण, क्लियर। नेक्स्ट देखिए डिफेंस रक्षा, कोई प्रॉब्लम? लास्ट देख लेते हैं हम लोग अट्रैक्ट, अट्रैक्ट मीन्स आकर्षित करना, ये तो पता है सभी को। चलिए उल्टा देखते हैं, डिटर्स डराना, डिटर से याद आएगा बताओ? हाँ हाँ दीप, नहीं नहीं नहीं, देखिए दीदी टर से डरे ये एक नॉर्मल बात है, लेकिन दीदी जब तैयार होकर गई थी तो उन्होंने लगा कि पूरी जो ऑडियंस है वो अट्रैक्ट नहीं तक करेगी, यहाँ तक कि मेंढक तक डर गए उनसे, दीदी टर, ठीक है, दीदी से टर भी डर गए, मतलब उनको भी डरा दिया, इतनी खतरनाक तैयार होकर गई थी। हो जाएगा यार, ओके अट्रैक्ट आकर्षित करना और डिटर्स मीन्स डराना। चलिए एक बार रिवाइज कर लें, ओके टेक योर टाइम। यस बच्चों, कर लिया आप लोगों ने रिवीजन? याद हो गए? अच्छा पिछले जो भी हमने याद किया उसका रिवीजन चल रहा है, तो कल के बाद आपका टेस्ट हो जाएगा, ठीक है? तो रिवाइज करते रहें, ओके ऑल द बेस्ट।